पोलपेट कंपनी का नॉट 3 मोबाइल है और इसका मॉडल नंबर जो है वो इसके पीछे लिखा हुआ रहता है। देखिए इस मोबाइल के पीछे लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर में पोलपेट 8298i00। इस मोबाइल में खराबी है कि जब इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने पे यह मोबाइल इस प्रकार से पोलपेट पर रुका हुआ रहता है और इस खराबी को ठीक करने के लिए हम इस मोबाइल को फ्लैश करते हैं। इस मोबाइल को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ही फ्लैश फाइल होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास की फ्लैश फाइल जो है वो नोट 3 लाइट नाम से है और इसके लिए जो हम SP फ्लैश 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में SP फ्लैश 2 सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे SP फ्लैश 2 सॉफ्टवेयर कॉपी है, लेकिन SP फ्लैश 2 का जो वर्जन होना चाहिए इसके लिए वर्जन 5.1532 वाला होना चाहिए और इसी वर्जन के फ्लैश टूल से ये मोबाइल फ्लैश होता है। इसके लिए हमने SP फ्लैश 2 वर्जन 5.51532 वाला सॉफ्टवेयर ओपन किया और सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद यहाँ पर दो फाइल आ गई। एक तो डाउनलोड एजेंट वाली होती है जो कि अपने आप आ जाती है, यदि अपने आप नहीं आ रही तो हम डाउनलोड एजेंट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारा SP फ्लैश टूल का सॉफ्टवेयर का फोल्डर है उसके अंदर एक MTK ऑल इन वन DA नाम से फाइल होती है, उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। दूसरा, स्केटर लोडिंग फाइल में मोबाइल की फ्लैश फाइल सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हमने स्केटर लोडिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे भी हमारे कंप्यूटर के अंदर इस मोबाइल की फ्लैश फाइल कॉपी है, जैसे कि इस तरह हमारे डेस्कटॉप पे एस्टेट के फोल्डर में और नॉट 3 लाइट के फोल्डर में 8298i00 के फोल्डर में 6735M एंड्रॉइड स्केटर वाली फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से हम डाउनलोड ऑनली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सभी ऑप्शनों पर टिक लगा होना चाहिए, जैसे कि सभी ऑप्शनों पर टिक लगा हुआ है और यहाँ से हम सीधे डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद अब हम मोबाइल को इसके लिए अपने मोबाइल को ये ऑफ कर लिया और ऑफ करने के बाद इस मोबाइल की बैटरी चार्ज होना चाहिए और इसके बाद USB केबल लगा के हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम USB केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो इस प्रकार की प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाती है और यह मोबाइल हमारा फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है और फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ओके लिखा जाता है। हम ओके पे क्लिक कर देंगे और मोबाइल को जो है वो कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर लेंगे और डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हम इस मोबाइल को ऑन करके चेक करते हैं। जैसे कि अभी इस मोबाइल में ख़राबी ये थी, कूलपेट से आगे नहीं जा रहा था, लेकिन यह मोबाइल कूलपेट से तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन अब इसमें एक और ख़राबी ये आ जाती है कि यहाँ पे इसमें एक वॉल्यूम अप और डाउन के ऑप्शन आते हैं, यहाँ से आगे मोबाइल नहीं जाता है। इस ख़राबी को ठीक करने के लिए हम मोबाइल को इसी कंडीशन में, जैसे कि इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर अप और डाउन लिखा आ रहा है, इसी ख़राबी में मोबाइल को USB केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद यह मोबाइल हमारा डिवाइस मैनेजर में जाके शो होता है। इसके लिए हमने मैनेज में जाके डिवाइस मैनेजर के अंदर गए और डिवाइस मैनेजर के अंदर जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन नाम से हमारा मोबाइल आ रहा है जिसमें एंड्रॉयड ADB इंटरफेस लिखा आता है। अब यदि यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन की जगह कोई अपना मोबाइल ड्राइवर मांग रहा होता तो इस समय हम मोबाइल का ड्राइवर अपडेट करते हैं। ड्राइवर जो देते हैं हम राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके ब्राउज माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट पे क्लिक करके हैव डिस्क पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। इसको ड्राइवर जो हम देते हैं वो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में Xiaomi के फोल्डर का, MI फोन के फोल्डर का, गूगल के अंदर ड्राइवर वाले फोल्डर के अंदर एंड्रॉइड USB वाली फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे और ओके करेंगे तो उसका ड्राइवर जो है वो अपडेट हो जाता है। और ड्राइवर अपडेट होने के बाद ये हमारे पास एक ये फाइल होती है मॉडेम नाम से, यह फाइल हमको मोबाइल में उस समय रन करानी होती है जब फ्लैशिंग करने के बाद कोई भी मोबाइल में इस प्रकार की खराबी आ जाती है कि उसमें अप और डाउन लिखा आता है केवल। ये एक टूल के द्वारा उन सभी मोबाइलों को हम ठीक कर सकते हैं जो मोबाइल फ्लैश करने के बाद अप डाउन केवल शो करता है। तो इसके लिए मॉडेम का फोल्डर ओपन करेंगे और इसके अंदर ये मॉडेम वाली फाइल आती है, इस फाइल पर हम डबल क्लिक कर देंगे और डबल क्लिक करने पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक नंबर दबा के एंटर करेंगे
और एंटर करते इस प्रकार की प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाती है। और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मोबाइल जो है वो हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार से, और जो अभी अप और डाउन लिखा रहा था वो हट जाता है। और इसके बाद ये मोबाइल फुल पेड से आगे बढ़ जाता है, तो इसमें हमने डोंट शो अगेन पर टिक लगा के एग्री किया। इसके बाद यहाँ से नॉट नाउ करेंगे और नेक्स्ट किया, स्किप किया, इसके बाद स्किप किया, स्किप एनी वे पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और स्किप किया, स्किप एनी वे पे क्लिक किया। इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे और इस प्रकार से यह मोबाइल हमारा ठीक हो जाता है और इसका मेन्यू खुल जाता है।